और एक आपका कंप्यूटर सर्वर में आता है लेमडा अगर आप देखना चाहते हो तो आप जब पोर्टल पे लॉगिन होते हो अपने वेब सर्विस पोर्टल एंड uh, जब भी आप सर्विसेज पे क्लिक करोगे नाउ यू कैन क्लिक तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर आ रहा है अगर आप कंप्यूट के अंदर करेंगे तो कंप्यूट के अंदर ही आपकी ईसी टू सर्विस आती है एंड कंप्यूट के अंदर ही आपके लैमडा सर्विस आती है तो दीज ऑल आर द कंप्यूट बट दोनों में क्या फर्क है द लैमडा इज अनेज बाय दब्ल्यू एस यानी कि लैमडा का जो इंफ्रा है ना दिस इंफ्रा मैनेज बाई दू एस तो so, पर जो इंफ्रा है वो लैमडा का जो इंफ्रा है, like है तो ईसी अकॉर्डिंग कोई भी वर्चुअल मशीन किसी भी स्पेस से किसी भी तरीके से बना सकते हो बट यहाँ पे क्या है यहाँ पे एक लिमिटेशन है कि उसने हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया गया है तो so, या तो हम क्या है अपना कस्टमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें या हम डब्ल्यू का बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर लेकेंड लैमडा जो है इट सपोर्ट अ डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बेसिकली इट इज अ अ एज सर्विस टूल लाइक कि कि मैं कहता हूं अगर आपको जावा से रिलेटेड काम करना है तो आप जावा का कोड यहां पे लिख सकते हो पाइथन नोट जे एस रूबी सेल्फ स्क्रिप्टिंग पावर सेल एंड आपका अगर मैं बात करता हूं गो लैंग्वेज तो लैमडा जो है इन सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है यानी कि आप जावा से रिलेटेड कोई भी प्रोग्रामिंग आपको रन करनी है आप यहाँ पे रन कर सकते हो पाइथन से रिलेटेड आपको प्रोग्रामिंग करनी है आप यहाँ पे रन कर सकते हो नोट जीए से प्रोग्रामिंग आपको एग्जीक्यूट करानी है आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करा सकते हो रूबी से रिलेटेड कोई स्क्रिप्टिंग रन करनी है सी से रिलेटेड गो लैंग्वेज से रिलेटेड अगर आप कोई भी कोड आप अपने आप डेवलपर हो तो अगर आप कोई भी कोड को कंपाइल कराना चाहते हो तो वो सारे के सारे कोड आप यहाँ पे रन कर सकते हो तो दिस इज एक प्री डिफाइंड कंसोल है जहां पर आप इन लैंग्वेजेस से रिलेटेड कोई भी कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट करा सकते हो बट जब आप अपना बनाते हैं तो लाइक अगर जावा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा जावा पहले अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना पड़ेगा और देन उसके बाद आपको अपना जावा का प्रोग्राम इस पर रन कराना पड़ेगा यस और नो एवरीवन बट यहाँ पे आपको कोई भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है सेम है पाइथन करना है तो पाइथन इंस्टॉल करना है रूबी लैंग्वेज जूबी लैंग्वेज आप यूज करने पड़ते हैं जब आप कंप्यूट यानी कि ईसी टू सर्विस यूज करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या है आपको एक पहले एक ईसी टू इंस्टेंट एक सर्वर लेना पड़ेगा उस पर्टिकुलर सर्वर पे आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा देन उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपको उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वो सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा एंड देन आप अपना कोड रन करेंगे तो so, कहीं ना कहीं यहाँ पे ये थ्री लेयर्स है लेकिन जब आप लैमडा फंक्शन यूज कर रहे हैं तो यू डोंट रिक्वायर्ड यू कैन बाय द एनी सर्वर इंस्टॉल एनी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर अगर आप लैमडा फंक्शन यूज करते हैं तो आपको ये तीनों की तीनों लेयर्स आपकी रिमूव हो जाती है यानी कि एक आपको एक तरीके से एक कंसोल मिलता है जहां पर आप अपने सारे के सारे कोड रन कर सकते हो हाउ किस तरीके से आप लैमडा फंक्शन क्रिएट करेंगे सो गाइस आई एम सिंपली कि सपोज आई एम क्रिएट अ वन वर्चुअल मशीन सबसे पहले मैं क्या करूं देखिए अगर मेरे को वर्चुअल मशीन बनाने आई एम जस्ट क्लिक ऑन इसी टू वर्चुअल मशीन आई एम जस्ट क्लिक ऑन इसी टू वर्चुअल मशीन एंड नाउ क्लिक ऑन लॉन्च स्टेंथ एंड कोई भी वर्चुअल मशीन बना लेता हूं गाइस give the name of VM1. and select the key pair. तो कह दी कि मैंने पे एक वर्चुअल मशीन बनाई है अब सिंपल सा देखिए टू थिंग्स हैं। लैमडा है क्या एक कंसोल है तो दिस इज अडा और एक आपका है ईसी टू ठीक है ना अब आप चाहते हो कि आप लैमडा लैमडा का मतलब है कोड लेमडा का मतलब है कोडिंग आप कोड के थ्रू तो दिस इज योर लैमडा लैमडा के थ्रू आप किसको मैनेज करना चाहते हो इसी टू के पोर्टल को मैनेज करना चाहते हैं यानी कि आप चाहते हो कि आप लैमडा का कंसोल यूज करें और लैमडा के थ्रू आप कहां पे काम करना चाहते हो आप इसी टू पे काम करना चाहते हो लाइक आप चाहते हो कि यहां पे आपका कोई एक सर्वर बना हुआ है आप इस सर्वर को पे वर्क करना चाहते हो यानी कि दिस इज इजी टू लेकिन आप डायरेक्ट EC2 टू पे काम नहीं करना चाहते क्योंकि डेवलपर तो अपना कोड के थ्रू काम करेगा तो आपने का काम क्या आपने एक सर्वर बना के दे दिया अब यहाँ पे कोड का करना है तो मैं यहाँ पे एक रोल बनाऊंगा आई ए एम रोल आई एम जस्ट क्रिएट अम रोल सॉरी आई मैनेजमेंट रोल और उस आई एम रोल के अंदर मैं क्या करूंगा मैं दे दूंगा यहां पे लैमडा को लैमडा को मैं राइट दे दूंगा ईसी टू फुल एक्सेस के यानी कि लैमडा की, की हेल्प से मैं ईसी टू को मैनेज करना चाहता हूं दिस इज द लैमडा की लैमडा के थ्रू आप आरडीएस कर, मैनेज करना चाहते हो तो आप आरडीएस के राइट दे दीजिए अगर आप लैमडा के थ्रू वीपीसी करना चाहते हो तो आप वीपीसी के राइट दे दीजिए तो आपको उस हिसाब से अपने लैमडा फंक्शन के साथ साथ लेमडा के रोल्स भी बनाने पड़ेंगे यानी कि आप किस सर्विस के थ्रू किस मैनेज अगर आप ईसी टू से लैमडा मैनेज करना चाहते हो तो आप क्या करोगे ईसी टू को लैमडा फुल एक्सेस के राइट हो गए नाउ आम जस्ट गो टू दोर्टल मैंने यहाँ एक वर्चुअल मशीन बनाई है अब मैं सबसे पहले जाता हूँ Uh I AM role pay identity and access management and then create our roles create role. एंड uh, यहाँ पे जो मैं रोल बना रहा हूँ वो लैमडा के लिए बना रहा हूँ सर्विस ऑन योर बिफ सो मैं लैमडा के बिहार नेक्स्ट परमिशन में क्या देना चाहता हूँ मैं देना चाहता हूँ इसको ईसी टू हाई फन फोल एक्सेस मैं ईसी टू को मैनेज करना चाहता हूँ लैमडा के थ्रू नेम ऑफ लाइका एल ए एम बी डी एमडा यहाँ पे क्रिएट करने के बाद अब मैं क्या मैं करूंगा अब मैं so, लैमडा के फंक्शन क्रिएट करूंगा सो लेडा के फंक्शन करने के लिए मैंने कुछ कोडिंग लिखी हुई है छोटी सी तो so, मेरे को मैं भी इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कोड में बट फिर भी थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट करके मैंने एक कोड लिखा हुआ है सो आई एम जस्ट ओपन इट कि अगर आपको डेवलपर हो और आपको कोडिंग आती है तो तो लाइक एक छोटी सी कोडिंग uh, मैंने यहां पे लिखी हुई है लाइक स्टॉप इंस्टेंस तो दिस इज कोड जो कि एक जेसन लैंग्वेज के अंदर है Now this is the AP South one, यानी कि मेरी जो instance बना हुआ है वो कहाँ पे बना हुआ है? It's deployed in AP EC2 instance जो है, मेरा AP South one के अंदर मैंने deploy कराया। So this is the Mumbai and this is the, or now the ID of this EC2 instance, this is the ID of EC2 instance, I'm just copy this ID or this ID को मैं यहाँ पे edit कर देता हूँ। नाउ गाइस ये मैंने एडिट कर दिया नाउ कि मैं सबसे पहले चाहता हूं कि मैं लैमडा के थ्रू ये मेरी जो इंस्टेंस है ना ऑन है मैं इसको ऑफ करना चाहता हूं तो so मैंने एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है आई एम जस्ट कम टू द लैमडा आई एम सर्च द लैमडा रन कोड विदाउट थिंक अबाउट सर्वर तो विदाउट सर्वर के मैं यहाँ पे कोई भी कोड रन कर सकता हूं जैसा मैंने बोला दिस इज अंप्यूटर लेस सर्विस कि यू डोंट रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल सर्वर और वर्चुअल सर्वर्स एक पोर्टल हमें दिया हुआ है जहां पर आप कोई भी कोड रन करा सकते हो एंड क्रिएट फंक्शन एंड गिव द फंक्शन नेम इज लाइक एस टी ओ पी स्टॉप वीएम वन सो मैं वीएम वन को स्टॉप करना चाहता हूँ लाइक नोट जेएस और आपका जो कोड है वो आपका जावा से रिलेटेड है गो लैंग्वेज से रिलेटेड है डॉट नेट से रिलेटेड है पाइथन की कोडिंग पे आप वर्क कर रहे हो रूबी पे कोडिंग कर रहे हो तो आप कौन सा कोड रन करा रहे हो चोस इज नाउ आई एम एम यूजिंग द और परमिशन आई जस्ट गिव द परमिशन कि मैंने एक रोल बना रखा है चूज अ रोल दैट डिफाइन द परमिशन ऑफ योर फंक्शन तो मैं इसको राइट देना चाहता हूँ नाउ आई एम क्रिएट अ अम्डा इसी टू एक्सेस वन एंड नाउ क्लिक ऑन क्रिएट फंक्शन गई जब मैंने फंक्शन क्रिएट कराया तो गिव मी द स्क्रिप्ट कि मेरे को जो कोड अपना रन करना है वो यहां पे लिखना है तो ये मेरी स्क्रिप्ट है मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ बेसिकली दिस इज अ पार्ट ऑफ डेवलपर और मेरा मैंने, मैंने खुद का अपना कोड लिखा हुआ है कि मैं स्टॉप तो यहाँ पे मैंने लिखा है

मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपका आ रहा है कॉन्फिगर टेस्ट इवेंट बट कॉन्फिगर टेस्ट इवेंट करने से भी पहले आपका पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डिप्लॉय का तो कॉन्फिगर टेस्ट इवेंट और डिप्लॉय आप डिप्लॉय पे क्लिक करिए तो व्हेन यू क्लिक ऑन डिप्लॉय और देन कॉन्फिगर टेस्ट इवेंट तो आपको जाना है पहले कॉन्फिगर टेस्ट इवेंट पे और यहां पे जाके

This 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 is so this is a key 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 and 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 value combination. So So I'm just copy this key and values values and paste it. So key and values paste कर दिया and create. क्रिएट करने के बाद गाइज अब मैं क्या करता हूं इसको यहाँ पे करता हूं टेस्ट और जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे टेस्ट करा, so पे देखिए इवेंट यानी कि मैंने जैसे ही यहां से ट्रिगर्ड करा आप इसी टू आके देखिए मेरी जो वर्चुअल मशीन है वो स्टॉप हो चुकी होगी गॉट इट गाइस सो मैं EC2 को मैनेज करना चाहता हूं सो so, अगर डेवलपर कोड लिखना है तो कोड पर बैठे बैठे कुछ भी काम कर सकता है नाउ मेरे को अगर ऑन करनी है इस मशीन को मैं यहीं से बैठे बैठे ऑन भी करना चाहता हूँ तो so, सिंपल सा मैं क्या करता हूँ आई एम क्रिएट अ वन मोर कोड आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ लैम्डा अट अ फंक्शन Give the name is like a start start hyphen vm1 and nodejs code guys. I'm just give the permissions, use an existing permissions and create function. And I'm just copy the code. I'm just copy the another code is like a start instance. This is a start instance code. I'm just copy this code. And remove it, this one, and paste it. Then go to the test, then click on configure test events. Then write like uh, STARD start VM1, give the any name. Now I'm just copy the same VM ID and location, copy it. and now create and then again i'm just click on test so guys again many test status code is this hello friend lambda and start required id this is this, this and and uh, request id of this start vm one this is my code Execution. Say. now click on deploy first time deploy then click on test तो so, पहले मेरे को डिप्लॉय करना और देन, like, so, now, अगर आप पे आपके so, आपकी वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो गई तो दिस इज वर्चुअल मशीन को ऑन कर सकते हो अपनी वर्चुअल मशीन को ऑफ भी कर सकते हो नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ वन मोर वर्चुअल मशीन का लिनक्स की जगह विंडोज की वर्चुअल मशीन मैं क्रिएट कर रहा हूं यहां पे एक is it clear guys the use of the lambda sir yeah. तो सर एक बार रिपीट कर दो क्या रिपीट करना है इसमें बताना है यार क्या रिपीट करूं मैं सर लेट आया नवीन वीडियो देख लेना एक्चुअली क्या है कुछ नहीं है लैम्डा फंक्शंस हैं जो कि आपका डेवलपिंग के लिए यूज होता है ठीक है ना अब डेवलपिंग के लिए यूज होता है तो आपको क्या अगर आप डेवलपर हो तो आप कोड के थ्रू सारी चीजें मैनेज कर सकते हो

ठीक है ना आप लैमटॉप के थ्रू कुछ भी काम करना चाहते हो तो आप पहले उस वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर आपको मिल रहा है ना गाइज दो टॉपिक इज इन क्लाउड वॉच सो गाइज क्लाउड वॉच से आपको क्या पता लगता है वट इज क्लाउड वॉच द क्लाउड वॉच इज मॉनिटरिंग बाई डिफॉल्टिटेल मॉनिटरिंग ऑफ रहती है द मोनिटरिंग इज डिसेबल्ड ये डिटेल मॉनिटरिंग आपकी यहाँ पे क्या है डिसेबल्ड है अगर ये मॉनिटरिंग आपकी डिसेबल्ड रहेगी तो होगा क्या सिंपली की यू कैन जस्ट

तो so लाइक like, uh, आप लोड बैलेंसर मॉनिटरिंग करना चाहते हो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज करना चाहते हो स्केलिंग ई टू सो नाउ आई एम जस्ट मॉनिटर विद ई टू पर इंस्टेंस लेकिन जब मैं पर इंस्टेंस कर रहा हूं तो देखिए यहाँ पे ये आपकी वीएम्स आ रही है दिज ऑल आर बट आपको अगर डिटेल मॉनिटरिंग करनी है ना तो आप डिटेल मॉनिटरिंग के लिए आपको ये मॉनिटरिंग इनेबल यहाँ पे करनी पड़ेगी पर तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस मॉनिटरिंग राइट क्लिक

डिटेल मॉनिटरिंग को इनेबल कर दिया नाउ आई एम जस्ट इनेबल द डिटेल मॉनिटरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल सो आपको कभी भी डिटेल मॉनिटरिंग करनी है तो आप यहाँ पे इस डिटेल मॉनिटरिंग को पहले इनेबल ईमेल कर करने के बाद मैं पे कुछ एक कहते हैं ना कि कि हर मशीन का आपको पता है टास्क मैनेजर होता है टास्क मैनेजर का क्या काम होता है आपके सिस्टम्स की इंफॉर्मेशन को मैनेज करना लाइक सीपीयू मेमोरी डिस्क नेटवर्क तो इसी तरीके से आप यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर मशीन के हिसाब से डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं ना आम जस्ट क्लिक ऑन डैशबोर्ड है यहाँ पे मैंने लिख दिया लाइक like डैशबोर्ड अब आप डैशबोर्ड में किस तरीके से चीजों को देखना चाहते हो आप नंबरिंग में मैं ले ले, तो मैं लेता देखना चाहता हूँ अब आप किस चीज को देखना चाहते हो आप किस चीज के लिए मॉनिटरिंग करना चाहते हो so, सो मैं ले लेता तो हूँ मैं ईसी टू को मॉनिटर करना चाहता हूँ सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन ऑटो स्केलिंग ईपीएस EC2 में मैं स्पेसिफिक चीजों को मॉनिटर करना चाहता हूं लाइक like का मैं यहां पे मॉनिटर करना चाहता हूं सीपीयू यूटिलाइजेशन ऑफ वी एम वन वी एम वन पे ले लेता हूं हूँ विंडोज पर है सो वेब वन की मैं लाइक सीपीयू क्रेडिट बैलेंस सीपीयू यूज कितना हो चुका है सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है मेरा ठीक है ना तो जो भी चीज मैं यहाँ से मॉनिटर करना चाहता हूँ नेटवर्क इन नेटवर्क आउट डिस्क रीड राइट कैपेसिटी को मैं यहाँ पे मॉनिटर करना चाहता हूँ so, कि कितना है सीपीयू क्रेडिट यूज कितना है सीपीयू का यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है इस मशीन का तो so, ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो आधर की अगर आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस भी करनी है तो so आप यहाँ पे लाइन में देखना चाहते हो तो so लाइन में आप इनको देख सकते हो तो आप इन चीजों को जिस भी तरीके से आप यहाँ पे देखना चाहते हो तो आप बार में देखना चाहते हो तो बार की फॉर्मेट में आप इनको देख सकते हो चॉइस इज योर की आप इनको नंबर सिस्टम में देखना चाहते हो तो आप नंबर की, की आप कस्टमाइज की आप लास्ट वन आवर का कर ट्रैकिंग करना चाहते हो या लास्ट आप कितने टाइम की ट्रैकिंग करना चाहते हो 15 मिनट्स की एवरी 15 मिनट्स की ट्रैकिंग करना चाहते हो तो वो सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे एड ऑन कर सकते हो गॉट इट द पॉइंट एवरीवन पहला यस सर सेकंड में यहाँ पे सेट करना चाहता हूं अलार्म अलार्म का मतलब है कि यहाँ पे एक और ऑप्शन आपके पास नो अलार्म नो अलार्म का मतलब है गाइस कि मैं यहाँ पे एक अलार्म सेट करना चाहता हूं अलार्म में क्या सेट करना चाहता हूं मैं अलार्म सेट करना चाहता हूँ आई एम जस्ट क्लिक ऑन इन अलार्म एंड देन क्रिएट अलार्म और सिलेक्ट मैट्रिक तो सिलेक्ट मैट्रिक का मतलब होता है guys, आप का मतलब है event, कि आप किस चीज को मॉन टू uh, अभी राइट नाउ आई एम जस्ट सिलेक्ट वन और मैं यहाँ पे यूटिलाइज करना चाहता हूँ सीपी यूटिलाइजेशन तो मैं एक अलार्म डालना चाहता हूँ मैंने एक अलर्ट डालना चाहता हूँ तो so, मैंने यहाँ पे डाल दिया यूटिलाइजेशन देन सिलेक्ट मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे कंडीशन डाली द इंस्टेंस आईडी ऑफ दिस नेम ऑफ इंस्टेंस दिस वेब सर्विस एवरेज सी यूटिलाइजेशन यू पीरियड ऑफ वन मिनट अगर आपका सी पी एक मिनट तक ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 परसेंट रहता है गॉट इट तो मैंने डाल दिया कि अगर मेरे इस सर्वर का वेब वन सर्वर का सीपीयू नाइनटी या उससे ऊपर

एज वेल एज एक्शन क्या हो जाए कि अगर मेरी लिमिट क्रॉस होती है तो मेरी जो मशीन है ना ये स्टॉप हो जाए अगर 90 इनसे डेटा तो लिखा आ जाए तो मैं चाहता हूं मेरे को एक अलार्म जनरेट हो जाए और मेरी जो मशीन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए स्टॉप हो जाए या टर्मिनेट हो जाए या रिस्टार्ट हो जाए तो मैं नेक्स्ट

कोई बताएगा कि अगर मैं इसका सीपीयू यूटिलाइजेशन मोर देन 90% कर दूं तो इस मशीन के साथ क्या आउटपुट होना चाहिए गाइस बताइए मैंने भी अलार्म सेट करा एक सिस्टम स्टॉप तो हो जाना चाहिए सर या डेफिनेटली कि मेरा जो सिस्टम है वो स्टॉप हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली क्योंकि मैंने कंडीशन ही वो डाली है कि मैंने एक कहते हैं ना कि मेरा अगर लोड इंक्रीज हो रहा है तो मेरे को अलर्ट्स भी मिले तो अलार्म इज वन काइंड्स ऑफ अलर्ट्स कि आपको मेल आईडी पे तो अलर्ट्स मिलेंगे मिलेंगे एज़ वेल एज़ आपके सिस्टम का भी तो एक्शन कुछ होना चाहिए कि अगर आपका लोड नहीं हो तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा तो so, बेटर है कि क्रैश होने की जगह कि अगर लोड इन की तो तो मेरा सिस्टम बंद हो जाए गॉट इट द पॉइंट एवरीवन सर तो so, अगर आपने एस एन एस करा हुआ है तो आपके पास एक एस एन एस सर्विस भी फॉरवर्ड हो जाएगी तो नाउ आई एम जस्ट द आई एम जस्ट क्लिक एंड आई एम क्रिएट अवन आई एम ओपन इन नोट पैड एंड नाउ एम जस्ट क्रिएट अवन डेमो फाइल ए डॉट बेट फाइल में क्रिएट कर रहा हूँ जिससे मैं इंक्रीज कर सकू डॉट इन टॉप सो मैं यहाँ पे क्या कर इस मशीन का जो सी पी यू है ना मोर देन नाइनटी परसेंट पर बिजी कर देता हूँ नाइनटी नाइन परसेंट यानी कि मेरी कंडीशन से ऊपर जा रहा है और मैंने जो टाइमिंग सेट करा है वो सेट करा है वन मिनट यानी कि अगर वन मिनट से ऊपर तक कॉन्जिक्यूटिव पीरियड मेरा अगर नाइन्टी परसेंट से ऊपर रहता है तो ये मेरी मशीन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जानी चाहिए और मेरे पास यहाँ पे एक अलार्म जनरेट हो जाना चाहिए गॉट इट दी वन यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का आ गया मेरा अलार्म एक्टिव है नाउ चलिए जब तक ये मशीन चल रही है इसको चलने देते हैं ना वन मोर थिंग क्लाउड वॉच पे दोबारा से आते हो आप यहाँ पे और भी चीजे मैट्रिक मैनेज कर, करना चाहते हो लाइक यू कैन जस्ट क्लिक ऑनट्रिक एंड मैट्रिक के अंदर इवेंट और इवेंट के अंदर आते हैं इवेंट ब्रिज तो गो टू द्रिज या गो टू दमेजॉन डॉक्यूमेंटेशन अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहते हैं तो आप इनके डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे रिट्रेंड कर सकते हो कि क्या बेनिफिट्स हैं क्लाउड वॉच के क्या क्या काम करना चाहते हैं तो दीज आर द डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल सो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि गो टू दब्ल्यू एस ऑन अदर पेज टू काइंड सिक्योर सो वाई कैन आई फाइंड द काइंड बुक ऑफ सो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो जो भी आपको थियोटिकल जितनी भी चीजें पढ़नी है तो ना आई एम जस्ट क्लिक ऑन इवेंट एंड क्लिक ऑन रूल्स और बैक टू द क्लाउड वॉच रूल एंड देन क्रिएट अ रूल और गाइज में यहाँ पे एक रूल क्रिएट करना चाहता हूं so, मैं यहाँ पे रूल क्रिएट करने के देखिए दो पैटर्न है एक पैटर्न है शिड्यूलिंग का मतलब दिस इज योर क्रोन एक्सप्रेशन ये आपके क्रोन एक्सप्रेशन के थ्रू की आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली आपके सर्वर रात को ट्वेल्व ओ क्लॉक बंद हो जाए मॉर्निंग फाइव ओ क्लॉक ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए तो so, आपको यहाँ पे शिड्यूलिंग लगानी पड़ेगी अपने सर्वर पे तो आप अपने सर्वर पे शिड्यूलिंग लगा सकते हैं तो उसके लिए आपके आपको क्रोन एक्सप्रेशन के बारे में पता होना चाहिए क्रोन एक्सप्रेशन इन AWS. तो so गैस ये आपके क्रोन एक्सप्रेशन के रूल है क्रोन एक्सप्रेशन के रूल है जो पहला होता है वो होता है आपका मिनट द फर्स्ट इज मिनट सेकेंड इज आवर थर्ड इज डे मंथ डे एंड ईयर यानी कि आप किस टेप्स की कौन एक्सप्रेशन लगाना चाहते हो लाइक यहां पे अगर लगाया तो यहाँ का मतलब है टेन आवर यानी कि एवरी डे टेन ओ क्लॉक स्टार का मतलब है एवरी डे एवरी मंथ एवरी वीक एवरी ईयर फिफ्टीन ट्वेल्व का मतलब है बारह बज के पंद्रह मिनट और अठारह का मतलब है इवनिंग सिक्स ओ क्लॉक तो दीज आर द क्रोन एक्सप्रेशन तो इस तरीके से आपके क्रोन एक्सप्रेशन यहाँ पे लगते हैं लुक लाइक like कि अगर मैं पे कोई क्रोन एक्सप्रेशन लगाना चाहता हूं मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक थर्टी टेन थर्टी स्पेस टेन स्पेस स्टार स्पेस स्टार स्पेस स्टार स्पेस स्टार मिनट का वन मिनट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स so 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 one two, three, four, five, six, seven. So now I'm just put the star 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 or then again space so minute minute so आप यहाँ पे क्रोन एक्सप्रेशन दे सकते हैं second अगर आपका एक दूसरा भी आता है इवेंट पैटर्न Event patterns is easy, कि अगर आप शेड्यूलिंग नहीं करना चाहते इवेंट पैटर्न का मतलब है मैंने कोई यहाँ पे इवेंट सेलेक्ट करा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नाउ आई एम सेलेक्ट अः सी टू और ई सी टू के अंदर क्या क्या चीज आप मॉनिटर कर सकते हो तो ये EC2 टू की सर्विसेज है नाउ मैं लेना चाहता हूँ ऑल इवेंट आप लेना चाहते हो सारी चीजें या पर्टिकुलर सो मैं ले लेता यहाँ पे पर्टिकुलर स्पेसिफिक इवेंट तो मैंने पर्टिकुलर स्पेसिफिक इवेंट लिखा वो पूछा एनी स्टेट या स्पेसिफिक स्टेट मैं चाहता में स्पेसिफिक स्टेट और स्पेसिफिक स्टेट में मैं चाहता कि मेरी कोई मशीन अगर होती है या मेरी कोई मशीन रनिंग होती है तो मेरे को क्या हो मेरे को अलर्ट्स मेरे मिल जाए तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन टारगेट मेरे को अलर्ट्स किसके थ्रू मिले एस एन एस के थ्रू मिले और मेरी मेल आई डी पे मेरे को अलर्ट्स मिल जाए तो ये मैंने एक इवेंट बना दिया है ट फॉर इंटायर ईसी टू कोई भी मशीन आपकी ऑन होती है या कोई भी मशीन आपकी ऑफ होती है ठीक है so आप उसके लिए ये इवेंट सेट कर रहे हो नाउ अगर आप पर्टिकुलर मशीन के लिए करना चाहते हो तो मैंने यहाँ पे लैमडा फंक्शन सेलेक्ट करा तो यहाँ पे आ रहा है स्टार्ट बी एम एंड स्टॉप बी एम तो आप लैमडा फंक्शन के थ्रू करना चाहते हो कि आपकी वर्चुअल मशीन कब स्टार्ट हो तो आपने यहाँ पे क्या लिया शेड्यूलिंग ऑप्शन ले लिया यहाँ पे लैमडा सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे स्टार्ट और ऑफ इवेंट डाल दिया So की मैंने यहाँ पे सर्विस सेलेक्ट करा और माई एस एन एस सर्विस यहाँ पे मैंने इवेंट वन अब देखिए यहाँ पर मेरी ये जो मशीन है ऑटोमेटिकली ऑफ हो चुकी है क्योंकि मैंने शेड्यूलिंग डाली थी वन मिनट की तो so आप देखिए यहाँ पे जो ये मेरी मशीन है ऑटोमेटिकली क्या हो चुकी है स्टॉप हो चुकी है

मिसिंग कर रहा था अगर आप हिस्ट्री पे जाएंगे तो वो बता रहा है कि एक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट एक्शंस और इसी टू इंस्टेंस इज स्टॉप अलार्म अपडेट फ्रॉम ओके टू इन अलार्म सक्सेसफुली एग्जीक्यूट तो जो भी मैंने कंडीशन डाली थी वो उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही मेरा अलार्म ने क्या एग्जीक्यूशन कराया क्यों क्योंकि मैंने 90% का डाला था बट मेरा सीपीयू टिलाइजेशन 99.3% हो रहा था सेम एम की मैंने एक एस एन एस सर्विस भी कॉन्फ़िगर करी थी सो आई एम जस्ट लॉग इन विद माई जी मेल आई डी मैं देखता हूँ मेरी अगर एस एन एस सर्विस इनेबल्ड होगी तो आई एम जस्ट आई सी सी पी स्टोरेज so, अलर्ट के नाम से आ रहा है यहाँ पे ये यह मेरा अलार्म यहाँ पे आया है एंड यू कैन सी जनरेटेड फॉर टू डे एटीन ठीक है ना डेड पॉइंट ए डब्ल्यू एस सी पी सिक्सटी सेकेंड एवरेज नॉट स्पेसिफाई इज मिसिंग तो जो भी मैंने यहाँ पे डाला था कंडीशन उसके अकॉर्डिंग मेरे को अलर्ट्स मिल गया कि मैंने जो स्टोरेज पे अलार्म सेट करा था उस अलार्म की बेस पर मेरी जो है उसने लिमिट क्रॉस करी है और मेरी जो मशीन है वो क्या हो गई है स्टॉप हो चुकी है नाउ कि अगर मैं अब मशीन को यहाँ पे ऑन करता हूं दोबारा से अगेन ऑन सॉरी नॉट इन टर्मिनेट इज स्टार्ट तो गाइज अगर आपको पता हो कि मैंने एक और इवेंट हिस्ट्री भी ऐड ऑन कर रखी है कि अगर मेरी कोई भी इजी टू ऑन होती है तो so मुझे उसके भी क्या मिले अलर्ट यानी कि अभी पेंडिंग स्टेट में

तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि पर्टिकुलर दिस इज अंस्टेंस स्टेट चेंज नोटिफिकेशन अकाउंट आईडी ऑफ दिस 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 एंड द एपी साउथ वन रीजन एंड इंस्टेंस आई डी एफ ई बी इज स्टेट इज रनिंग तो यहाँ पे स्टेट इज रनिंग लिखा आ गया नाउ बिकॉज क्योंकि अगर मैं अपनी मशीन को आके देखता हूं तो एफ ई बी एट सी नाइन सेवन दिस इज अ कंप्लीट आई डी और यहाँ पे ये मेरी मशीन रनिंग में आ चुकी है नाउ अगर मैं इस मशीन को क्या करता हूँ स्टॉप्ड कर देता हूँ क्योंकि मैंने एक और कंडीशन डाली थी अगर कोई भी मशीन मेरी स्टॉप होती है तो अगर मेरी मशीन यहाँ पे स्टॉप होगी तो अगेन मेरे पास यहाँ पे एक और अलार्म जनरेट हो जाएगा गॉड द यूज ऑफ क्लाउड वॉच इज कम्प्लीट द मॉनिटरिंग सो आपको कोई भी चीज मॉनिटरिंग करनी है सो so आप इस परैक्टिस करिए क्योंकि काफी पूछा जाता है तो नाउ गाइज यू कैन सी मोर इट इज कमिंग एंड नाउ दी वन सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट सर्विस क्लाउड वॉच एंड क्लाउड मॉनिटरिंग सो गाइज जब भी आप डिटेल मॉनिटरिंग करते हो ना तो so, uh, इसकी एक चीज ध्यान रखना की uh, ये सब ना आपकी चार्जेबल सर्विसेस है तो चार्जेबल सर्विसेज हैं तो इनको आप डिलीट जरूर कर दें तो नाउ आई एम जस्ट डिलीट ऑन दिस वन एंड नाउ आई एम जस्ट गो टू द एसएनएस सर्विस आल्सो। तो एसएनएस सर्विस ऑलरेडी मैंने कॉन्फिगर करी हुई है जिससे मेरे को अलर्ट मिल रहे हैं और आप लोगों को भी ये सर्विस कॉन्फिगर करनी आती है और आप लोगों ने को मैंने बताई भी हुई है वो अलग बात है कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो यस और नो एवरी सही कह रहा हूँ ना नीड फॉर प्रैक्टिस तो गाइस प्रैक्टिस करेंगे तो क्लाउड क्लियर होगा एक बार में तो क्लाउड आने वाला है नहीं गाइस कंफर्म मी द इनफ फॉर या कंटिन्यू कॉन्टीन्यू थैंक यू फॉर टुडे